नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई है। सभी के मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। बिहार हो या झारखंड, जिसको जो भी मिलना था मिल गया है। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी लोग खुश हैं या फिर किसी के दिल में कोई मलाल भी बाकी है। मलाल तो मनचाहा विभाग न मिल पाने का भी हो सकता है। बस अब यही मुद्दा अब विपक्ष उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के हिस्से में आए मंत्री पदों को झुनझुना करार दिया है। अब इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है। दरअसल नई एनडीए सरकार और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिलने पर एलजेपी रामविलास सांसद शांभवी चौधरी 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसदों में से है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर से जीत हासिल की है। आज इन्होंने मीडिया के सामने कई मुद्दों पर मुखरता से जवाब दिया है। राज्यसभा की रिक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए दलों की बैठक जरूर होगी। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान की भी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार को मंत्रालयों के बंटवारे में झुनझुना मिला है। शांभवी चौधरी ने कहा है कि हमें जनादेश मिला है, हमारे नेता शिक्षित है और इसलिए वे कैबिनेट में है। उन्होंने कहा कि कोई मंत्रालय झुनझुना नहीं होता। काम करने वाले मंत्रियों के लिए हर मंत्रालय बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। काम करने वाले के लिए हर मंत्रालय ही महत्वपूर्ण होता है। सभी मंत्रालयों की समाज को बेहतर बनाने में अपनी अपनी एक भूमिका होती है। तेजस्वी यादव का काम है बोलना, वे बोलेंगे ही। उनका लोकसभा का दावा याद नहीं है, वे क्या सब दावा कर रहे थे। अब रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है, तो सुनिए क्या कुछ कहा शांभवी चौधरी ने। देखिए, हम मानते हैं कि जितने भी हमारी सीटें खाली हुई होंगी वो एक ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, राजनीतिक डिसीजन है। और ये एनडीए दल के जितने भी तमाम पार्टी वर्कर्स है, पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन सबको मिलजुल के लेना है। हम मानते हैं कि एनडीए दल की इस पे मीटिंग होगी और पार्टी और बाकी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब मिल के एक निर्णय लेंगे। अब नहीं, बट हम ये मानते हैं कि देखिए, हम अपनी पार्टी के बारे में बोल सकते हैं। हमारी पार्टी में जितने भी लोग अभी चुन के इलेक्ट होकर के आए हैं, हम सबको भारी मतों से विजयी बनाया गया है और जितनी भी जनता है वो हमें चुनी है, ये एक क्लियर मैंडेट है। और जहां तक रही बात हमारे पार्टी के जितने भी लोग अभी कैबिनेट में हैं या आगे कैबिनेट में जाएंगे, वो सबकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं और तभी वो आज कैबिनेट में हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये चीज कहना कि नहीं, आपके उनके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनको हारने के बाद भी टिकट दिया जाता है, जिनको जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है उनको टिकट दिया जाता है। और कह सकते हैं आप कि इतने सारे उनपे आरोप हैं, उसके बावजूद उनको बार बार टिकट दिया जाता है। हम उस वंशवाद की बात करते हैं। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था कि जो एनडीए दल के नेता हैं या एनडीए जीतेगी तो संविधान को बदला जाएगा, जबकि ऐसा कहीं भी कभी भी कभी नहीं है, ऐसा कहीं भी बोला गया था। एक फॉल्स नैरेटिव एक सेट करने का प्रयास किया गया था। पर हम मानते हैं कि ये जीत भी बहुत ऐतिहासिक है। हम पहली बार इतना क्लियर मैंडेट से तीसरी बार किसी की सरकार बनने जा रही है और एनडीए के जितने भी नेता हैं, एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं और हम सब पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उस जो वो कार्य है, वो कर्तव्य, उसका हम लोग श्रद्धापूर्वक निर्वहन करें और हम उसके लिए काम करें। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।